सत श्री अकाल टीवी पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत, मैं हाँ दीपिका खोसला। इस वेले की अहम खबर तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दे नाल जुड़ी इस वेले की अहम खबर तुहानूं दस दईए कि आतिशी दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजुर्गों की पेनशन नूं लैके एक वड्डा ऐलान किया गया है। दरअसल दिल्ली दे विच अप्रैल तो बजुर्गों की पेनशन जो है वह बंद सी। 1 लाख बजुर्गों नूं हुण वड्डी खुशखबरी जो है वह दित्ती गई है, क्योंकि उन्हां दी पेनशन जो है वह बहाल करवाई गई है। और आतिशी का यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने जेल के अंदरों भाजपा के नाल लड़ाई लड़ के 1 लाख बजुर्गों नूं यह राहत दवाई है। अपने संबोधन दे विच होर की कुछ कह रहे हैं आतिशी, आओ सुनते हैं। सभी को नमस्कार। दिल्ली में 4 लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। इन 4 लाख बुजुर्गों को जिनको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, 1 लाख ऐसी पेंशन है जिसका कुछ हिस्सा केंद्र सरकार से आता है, 3 लाख पेंशन पूरी तरह से दिल्ली सरकार देती है। 1 लाख बुजुर्गों को ऐसी पेंशन मिलती है जिसमें से कुछ हिस्सा दिल्ली सरकार से आता है और कुछ हिस्सा केंद्र सरकार से आता है। पिछले 5 महीने से इन 1 लाख बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही थी। इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि जो पेंशन्स, जिन पेंशनों का हिस्सा केंद्र सरकार देती है, उन पेंशनों को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने रोक रखा था। दिल्ली के बुजुर्ग बहुत परेशान थे। ये ऐसे बुजुर्ग हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं। ये ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके पास इस बुजुर्ग पेंशन के अलावा, इस वृद्धावस्था पेंशन के अलावा कोई भी आर्थिक साधन नहीं है। उनके पास अपनी देखरेख के लिए, उनके पास अपनी दवाइयों के लिए, उनके पास अपना घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मेरे पास अक्सर ये बुजुर्ग आते थे, कभी हमारे घर में आते थे, कभी मेरे ऑफिस में आते थे। ये बुजुर्ग हमारे अलग अलग विधायकों के पास जाते थे। दिल्ली के ये 1 लाख बुजुर्ग पिछले 5 महीने से बहुत परेशान थे। इनको लग रहा था कि इनकी देखरेख करने वाला, इनका बेटा अरविंद केजरीवाल जेल में है और इसी वजह से उनकी पेंशन रुक गई है और इसी वजह से उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है, उनको पेंशन दिलवाने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं दिल्ली के इन 1 लाख बुजुर्गों को बताना चाहती हूँ कि चाहे आपका बेटा अरविंद केजरीवाल जेल में है, लेकिन जेल में होने के बावजूद भी उनको दिन रात दिल्ली के बुजुर्गों की, जिनको वो अपना माता पिता मानते हैं, उनकी चिंता रही है। पिछले कुछ महीनों में मैं जब भी उनसे मिलने गई हूँ तो उन्होंने एक चीज हर बार पूछी है कि बुजुर्गों की पेंशन आई कि नहीं आई। उन्होंने हर बार चिंता जताई है कि उनके माता पिता, दिल्ली के बुजुर्ग, दिल्ली के 1 लाख बुजुर्ग परेशान हैं और उनकी पेंशन नहीं आ रही है। लेकिन आप बुजुर्गों के इस प्यार का, बुजुर्गों के इस आशीर्वाद का चमत्कार देखिए कि उनके बेटे अरविंद केजरीवाल ने जेल में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से लड़कर इन 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन दिलवाई है। मैं इन 1 लाख बुजुर्गों को बधाई देना चाहती हूँ कि जो पेंशन अप्रैल के महीने से रुक गई थी, वो 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन अब आना शुरू हो गई है। कल से हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इस पेंशन को 1 लाख बुजुर्गों के अकाउंट में क्रेडिट करना शुरू कर दिया है। कल तक तकरीबन 1 लाख में से 90,000 पेंशन्स का ट्रांसफ़र हो चुका है। तो आज से अगर बुज़ुर्ग अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे तो उनके अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट हो गया होगा। तो जो भी उनके खर्चे हैं, जो वो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो परेशान थे,
अब वो अपने बैंक से पैसे निकाल के वो खर्चा कर सकते हैं। जो बचे हुए 10,000 पेंशनर्स हैं, 90,000 की कल शाम तक क्रेडिट हो गई थी, जो बाकी 10,000 पेंशन्स बची हुई हैं, वो आज दिन में सोशल वेलफेयर विभाग द्वारा दिल्ली के बुजुर्गों के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। मैं दिल्ली के बुजुर्गों को एक वादा करना चाहती हूँ कि चाहे आपका बेटा अरविंद केजरीवाल जेल में हो, वो आपके हक के लिए लड़ना बंद नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, दिल्ली के लोगों को परेशान करना, दिल्ली के लोगों के काम रोकना। जो उसी तरह से और उसी सीरीज में उन्होंने दिल्ली के बुजुर्गों की पेंशन रोकी हुई थी, लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की तरफ से आपको ये वादा कर रही हूँ कि चाहे हमें कितना भी लड़ना पड़े, हम दिल्ली वालों के लिए लड़ते रहेंगे, दिल्ली वालों के लड़ लड़ के काम करवाते रहेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से लड़कर हमने ये पेंशन बुजुर्गों को दिलवाई है, उसी तरह से दिल्ली वालों के जो भी रुके हुए काम हैं वो केजरीवाल सरकार जरूर कराएगी। थैंक यू। देखिए, 2,500 रुपए की पेंशन होती है, उसमें से 2,200 रुपए 2,200 दिल्ली सरकार देती है, 300 रुपए केंद्र सरकार देती है। लेकिन उस पेंशन की टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी हैं कि चाहे एक बहुत छोटा हिस्सा केंद्र सरकार से आ रहा है, लेकिन वो हिस्सा आए बिना वो पेंशन रिलीज नहीं हो सकती है, वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है। और इसी वजह से, क्योंकि केंद्र सरकार से उनका हिस्सा नहीं आया हुआ था, दिल्ली के बुजुर्गों की पेंशन रुकी, 1,00,000 लोगों की पेंशन उस वजह से रुकी हुई थी। ये पेंशन जो लास्ट पेंशन मिली थी वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इन बुजुर्गों को मिली थी, यानी मार्च की पेंशन इन बुजुर्गों को मिल चुकी है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अब अगस्त के महीने की पेंशन अभी तक इन बुजुर्गों को नहीं मिली थी। तो जो अभी तक की सारी पेंडिंग पेंशन है पिछले 5 महीनों की, उस पेंशन को एक बार में ही क्रेडिट कर दिया गया है। जैसा मैंने बताया, 90,000 बुजुर्गों की पेंशन तो ऑलरेडी उनका बैंक ट्रांसफर हो गया है और आज ही उनके अकाउंट में जितना टाइम आरटीजीएस को रिफ्लेक्ट होने में लगता है, तो आज से ही उनके बैंक अकाउंट में या कल सुबह तक उनके बैंक अकाउंट में ये पैसे रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। देखिए, सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी को और उनके पार्टी के अन्य नेताओं को, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे वो संजय सिंह जी हों, चाहे सत्येंद्र जैन जी हों, झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। ये देश के क्या दुनिया के इतिहास का पहला तथाकथित भ्रष्टाचार का केस होगा जिसमें एक रुपया भी भ्रष्टाचार का कहीं से नहीं मिला है? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की साजिश है, दिल्ली वालों के काम रोकने की साजिश है। लेकिन सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने ना आज तक एक रुपए का भ्रष्टाचार किया है, ना एक रुपए का भ्रष्टाचार करेंगे। और हमें उच्च न्यायालय पे भरोसा है कि जिस तरह उच्च न्यायालय ने ईडी के केस में अरविंद केजरीवाल जी को राहत दी है, जिस तरह से उच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया जी को बेल दी है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह जी को बेल दी है, मुझे पूरा भरोसा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। देश विदेश की ताज़ा जानकारी देखते रहो टीवी पंजाब।